बढ़वा विधायक ने आज बढ़वा पहुंचकर अधिकारियों से स्थिति और बचाव राहत कार्यों की जानकारी ली। सबसे पहले विधायक ने शासकीय चिकित्सालय पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीएमओ कारखुर को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद जनपद पंचायत पहुंचकर सीओ पवार ने राहत कार्यों, राशन आदि के वितरण और सैनिटाइजर संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात पुलिस थाने पहुंचकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। विधायक बिल्ला ने लॉकडाउन, सैनिटाइजेशन और ओपीडी संबंधी निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के प्रत्येक पंचायत को 30,000 रुपये सैनिटाइजेशन, मास्क आदि के लिए दिए गए, ताकि ग्रामीण अंचलों में इस महामारी के बचाव के लिए कार्य किए जा सके, परंतु ये राशि अब तक खातों में नहीं पहुँची है। बकौल सीओ पवार सैनिटाइजेशन का काम जारी है। जारी की गई राशि अब तक खातों में उपलब्ध नहीं हुई है। राशि आने पर बचे हुए क्षेत्रों में भी राहत सामग्री पहुँच जाएगी। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। जो राशि वितरित हुई है प्रदेश से सैनिटाइजर वो मास्क के लिए, उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाऊँ? हाँ, तो उसके लिए आदेश हो गए हैं। राशि को पास रिलीज होना है, अभी कैट इतना शेष है, एक दो दिन में संभावना है कि राशि कैट हो गया पंचायत के काम के अंदर। और सर, राशन वितरण में भी कुछ असमानताएं सामने आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से बराबर राशि मिल रही है। तो क्या राशन घर घर जाकर दिया जा रहा है? राशन खाद्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है। वितरण कहाँ से हो रहा है सर? कंट्रोल दुकान से हो रहा है। सर, सैनिटाइजर और मास्क की जिस तरह से अभी खास जरूरत है इंदौर की स्थिति को देखते हुए, तो क्या ये उपलब्ध हो पाएंगे अगले 2-3 दिनों में? जी हाँ, पंचायत अपने तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन अभी सैनिटाइजर की शॉर्टेज भी है और मेडिकल के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना ने एक बड़ी महामारी का रूप ले लिया है और हमारे इस क्षेत्र में एक जरीना बी नाम की लड़की इंदौर से आई थी जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई और आज शायद उसकी मृत्यु भी हुई है। वो इस क्षेत्र के हमारे टावर बेड़ी तरफ आई थी किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। तो एक बड़ा ये महामारी का रूप कोरोना यहाँ पर ले सकता है। इसके लिए हम सब लोगों ने आज निश्चय किया था कि सारे अधिकारियों से, अभी मैं जनपद में खड़ा हूँ, जनपद के हमारे सीओ साहब के साथ में हम लोगों की अभी मीटिंग भी हुई है। इसके पहले मैं अस्पताल गया, अस्पताल में भी बीएमओ साहब से भी चर्चा की और वस्तु स्थिति से अवगत भी हुआ। इसके साथ में नगर पालिका भी गया, पूरे शहर को हम सैनिटाइज करा रहे हैं और इसके साथ ही ग्लव्स, दस्ताने और जगह जगह पर सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहने के लिए बोल रहे हैं। वैसे ही देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे सभी लोगों को लॉकडाउन में रहते हुए अपने अपने घरों में रहने के लिए बोला है। हम लोग भी यही सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस भाव को लेकर आज हम पूरा दिन। अभी शासन की ओर से कुछ राशि दी गई है प्रत्येक पंचायत को, जिससे सैनिटाइजर और मास्क वगैरह वितरण के लिए कहा गया है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया। अभी राशि डली नहीं, इसी के तारतम्य में मैंने आज अभी सीओ साहब से बात करी, पता नहीं 1-2 दिन में राशि डल जाएगी। कुछ लोगों को राशन के संबंध में भी दिक्कतें थी कि राशन वितरण में कुछ? हाँ, राशन वितरण में तकलीफ ये आ रही है कि बीपीएल कार्ड धारकों को राशन मिल रहा है 3 माह का, एपीएल के लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके लिए भी उनके घर तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन ने ले रखी है और उसमें भी अभी एसडीएम साहब से बात करते हैं, हम लोग आगे की कार्रवाई भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।